वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आईफोन से कॉल हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इसकी कॉल हिस्ट्री एक जगह पर नहीं मिलती है, दो जगह पर मिलती हैं। तो अगर आप आराम से इसको देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज़ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जब यहाँ पर हम अपने फ़ोन पर जाते हैं, इस पर ये क्लिक करते हैं, यहीं पर हमारी कॉल हिस्ट्री बनती है सारी की सारी। अब जैसे इसको खोलते हैं तो देखिए, जैसे हमने किसी बंदे से आज बात करी तो उसको हम एक दफ़े डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये वाला नंबर है, ठीक है, 9897-44-11-73, इसको हम यस्टरडे पर देख सकते हैं और सैटरडे पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसको क्लिक करते हैं आई के बटन पर जाकर, यस्टरडे वाले दिन के अंदर। तो यहाँ पर ये पिछले दिन का है, यहाँ पर इसकी कॉल हिस्ट्री आपको दिख जाएगी, ये रही कैंसिल है दोनों दोनों तरफ। तो हम इसको बाय एक दिन क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं आराम से, यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से क्लिक करके से डिलीट कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ज़्यादा डिलीट करनी हो इसी नंबर की, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हुए चले जाएंगे और डिलीट करते हुए चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी नंबर है, जैसे 198 हो गया, फ्राइडे वाले दिन हमने एक कॉल मिलाई थी इस पर, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं कॉल हिस्ट्री को फिर दोबारा से। तो इस तरीके से आपको कॉल हिस्ट्री को डिलीट करना है, यानी कि एक साथ आप नहीं डिलीट कर सकते, एक 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 दिन करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है आईफोन के अंदर कॉल हिस्ट्री को डिलीट करने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।